बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम मोहर सर्कल फॉर प्लेन स्ट्रेसेस के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर प्लेन स्ट्रेसेस के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को यूज करते हुए इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे और हम प्लेन स्ट्रेसेस को कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द ग्राफिकल फॉर्म, और इस मेथड को मोहर सर्कल का नाम दिया जाता है। सो दिस मेथड इज बेसिकली द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड इट इज एक्सट्रीमली यूजफुल बिकॉज इट डिस्प्ले द रिलेशनशिप बिटवीन द नॉर्मल एज वेल एज द शियर स्ट्रेसेस दैट इज बेसिकली एक्टिंग ऑन द इंक्लाइंड प्लेन एट अ पॉइंट सो इन अ स्ट्रेस बॉडी डेफिनेटली। सो इट ऑल्सो प्रोवाइड द मीन्स फॉर कैलकुलेटिंग द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस एज वेल एज द स्ट्रेसेस दैट इज एक्टिंग ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। सो फर्दर मोर मोहर सर्कल इज ऑल्सो वैलिड फॉर द कैलकुलेशन और मेजरिंग द स्ट्रेसेस नॉट ओनली द प्लेन स्ट्रेसेस ऑल्सो फॉर दोज दैट वॉज इन मैथमेटिकल नेचर और इंक्लूडिंग द स्ट्रेन एंड द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। सो रिकॉल लास्ट टाइम वी डिवेलप दीज टू इक्वेशन सिग्मा एन एंड शियर स्ट्रेस ऑफ एन टी, और यू कैन ऑल्सो से सिग्मा एच डैश और शियर एच डैश वाई डैश। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको इन दोनों कन्वेंशन के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो डिफरेंट बुक्स के अंदर आपको डिफरेंट कन्वेंशन मिलेंगी, आप कोई सी भी कन्वेंशन यूज कर सकते हैं। देन वी डिवेलप द एंगल थीटा फॉर प्रिंसिपल स्ट्रेसिस एज वेल एज एंगल एच फॉर द मैक्सिमम इन द शियर स्ट्रेसिस। And we also derive the situation stress invariant, that is sigma 1 plus sigma 2 is equal to sigma x plus sigma y. And we also know the shear stress maximum is equal to sigma 1 minus sigma 2 divided by the 2. So it's all for the recap. So let's move to our today lecture. And let's first rearrange our first situation. So सबसे पहले हम अपनी जो ट्रांस जो इक्वेशन है उसको रीअरेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे इन दिस फॉर्म। एंड हियर यू विल गेट, सो सिग्मा एन माइनस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई ओवर टू इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई ओवर टू टाइम्स कॉस टू थीटा प्लस शियर स्ट्रेस ऑफ एक्स वाई टाइम्स साइन टू थीटा। तो सिंपली मैंने अपनी पहली ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो थी उसको यहाँ पे एक्स सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई ओवर टू को यहाँ से इस साइड पे मूव किया, एंड सेकेंड इक्वेशन को मैं एज इट इज रहने दूंगा, एंड देन हम इन इक्वेशंस का स्केल लेंगे और इनको ऐड करेंगे। तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को स्केल करेंगे तो और इसके साथ साथ इसको ऐड करेंगे, तो सिग्मा एन माइनस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई ओवर टू होल स्केयर प्लस टा एन टी स्केयर, सिंपली सम इन दीज टू इक्वेशन। सो सिंपली हमने इन दो इक्वेशन को यहाँ पे सम किया वन बाय वन, ठीक है। इसी तरीके से अब जो हमारे पास राइट हैंड साइड है यहाँ पे भी आप स्क्वायर लेते जाएंगे, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई ओवर टू होल स्क्वायर टाइम्स कॉस स्क्वायर टू थीटा एंड द रेस्ट इक्वेशंस आर देयर। आफ्टर टेकिंग द स्क्वायर रूट रीअरेंज दीज इक्वेशन देन वी कम अप विद दिस सॉल्यूशन। सिंपली इन दोनों टर्म्स को हमने यहाँ पे कॉन्स्टेंट ले लिया क्योंकि ये सेम थी, और इसको यहाँ पे अंदर लिख लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेम यही टर्म्स बन जाएगी। सो वी नो दैट बाय ट्रिग्नोमेट्री कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एज वेल एज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बोथ आर द सिमिलर टर्म्स इज आल्सो इक्वल टू द 1 देन वी कम अप दिस फाइनल इक्वेशन दैट इज सिग्मा एन माइनस सिग्मा एक्स प्लस वाई ओवर 2 होल स्क्वायर प्लस टॉ n t square is equal to sigma x minus sigma y over 2 square plus star x y square. So this is very important equation that we have drawn so far. So this equation is can be written in the simpler form like this: sigma n minus sigma x plus sigma y over 2 whole square plus star n t square minus 0 square is equal to sigma x minus sigma y over square plus star x y square. सो यू कैन सी इस ऊपर जो ये अबव इक्वेशन है इसके अंदर पर्टिकुलरली हमने सिर्फ ये टर्म ऐड की है जस्ट बिकॉज ऑफ टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सो यू प्रोबेबली नो दैट द
the equation of the circle is x minus a square plus y minus b square is equal to the r square. So simply इस इक्वेशन के थ्रू मतलब इसी इक्वेशन की सर्कल को फॉर्म बनाने के लिए हमने यहाँ पे अपनी इक्वेशन को इस फॉर्म के अंदर लिखा है. दिस मेथड इज बेसिकली द बेसिकली मोहर सर्कल मेथड इज डेवलप बाय अ जर्मन इंजीनियर हुज नेम इज बेसिकली मोहर. सो इट्स बेसिकली अ ग्राफिकल टूल फॉर डिपिक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर द प्लेन स्ट्रेसेस. तो लास्ट लेक्चर में हमने एनालिटिकल मैथमेटिकल मेथड के थ्रू नॉर्मल स्ट्रेसेस और शियर स्ट्रेसेस को कैलकुलेट किया था. इन दिस मेथड हम यहाँ पे ग्राफिकल फॉर्म के थ्रू अपनी नॉर्मल स्ट्रेसेस और शियर स्ट्रेसेस को कैलकुलेट करेंगे. तो अब इन दोनों इक्वेशन को मैं बेसिकली इसके साथ रिलेट करने वाला हूँ. दैट इज एच इज बेसिकली रिलेट टू दिस टर्म्स. एच इज बेसिकली रिलेट टू द सिग्मा एन एंड द ए इज रिलेट टू the this term that will be the center x point for the center and this will be related to this and b is related to this and r is related to this. So from these relationship we know that the radius is basically equal to the sigma x plus sigma y over 2 square plus tau of xy square or yahan se kyunki r square hai to yahan pe r जब स्टेयर यहाँ से कैंसिल आउट होता है यहाँ पे स्टेयर आउट आ जाएगा. दिस वुड बी द रेडियस एंड फॉर द केस ऑफ सेंटर यू हैव टू टेक दीज वैल्यूज ए एंड बी. सो फॉर द केस ऑफ ए योर सेंटर वैल्यू फॉर द एक्स एक्सिस इज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई ओवर 2 एंड फॉर वाई एक्सिस इट विल बी द बी एंड इन दिस केस बी इज इक्वल टू 0. सो दैट्स व्हाई आई एम प्लगिंग हियर 0. सो फ्रॉम दिस रिलेशनशिप from the last lecture we know that is equal to the sigma average. So the stress transformation equation is based on an angle of 2 theta. Therefore the angle on the Mohr circle is 2 times the stress block angle. तो जो हमारे हमें transformation क्योंकि हमने basically इस lecture इस method के अंदर stress transformation equation को use करते हुए अपनी इस मैच नॉर्मल मतलब नॉर्मल स्ट्रेसेस तो शियर स्ट्रेसेस के वैल्यू को कैलकुलेट करना है और उस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो है वो बेसिकली बेस्ड आ रही थी 2 थीटा के ऊपर. तो मोहर सर्कल के अंदर जो हमारा फिर स्ट्रेस ब्लॉक का एंगल होगा वो उसका 2 टाइम्स होगा. ठीक है. सो इट्स जस्ट अगेन री राइट इन दिस फॉर्म सिग्मा एन माइनस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई ओवर 2 को हमने यहाँ पे सिग्मा एवरेज लिख दिया और उसका स्टेयर plus tau and t is equal to r square. So this would be the equation for the circle in the standard algebraic form and the coordinates are sigma n and tau or you can say shear and t as well as the radius is r and the center of the circle has the coordinates sigma n is equal to the sigma average and the shear stress of n t is equal to 0 because above equation mein hamare paas b t value 0 thi. So now it's time to represent the transformation of plane stresses using the Mohr circle and in this case the Mohr circle is basically the circle where each point represents the stresses and the shear stresses on a particular plane through an arbitrary loaded member or you can say at any point, single point. So for that case jo sign convention hum use karenge is method ke andar tension ko hum positive mein रिप्रेजेंट करेंगे और कंप्रेशन को नेगेटिव के साथ रिप्रेजेंट करेंगे. और जो हमारे पास शियर स्ट्रेसेस है यहाँ पे मैं थोड़ी सी डिफरेंट लेने वाला हूँ. जो शियर स्ट्रेसेस अपवर्ड है जो बेसिकली क्लॉकवाइज है उसको हम पॉजिटिव लेंगे और जो शियर स्ट्रेसेस हमारे पास काउंटर क्लॉकवाइज होंगी उनको हम नेगेटिव लेंगे. तो जो शियर स्ट्रेस हमारे पास अब काउंटर क्लॉकवाइज आ रही हैं उनको हम नेगेटिव लेने वाले हैं. मीन जो हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर शो हो रही है और जो काउंटर क्लॉकवाइज है उनको हम नेगेटिव लेंगे. ठीक है. और क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लेंगे. तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है वो हमारे पास पॉजिटिव होगी एंड काउंटर क्लॉकवाइज नेगेटिव होगी. ऑलराइट. नाउ लेट्स ड्रा मोहर सर्कल. अब हम मोहर सर्कल को ड्रा करते हैं बेसिकली इन दिस वे कि हम किस तरीके से अपने इस मेथड को यूज करते हैं यूज करने के लिए. तो यहाँ पे मेरे पास ये प्रीवियस जो हमने चीजें जो
इक्वेशंस ड्राइव की हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं, और देर आर आल्सो फॉर द साइन कन्वेंशंस, ये हमारे पास इक्वेशन हैं जी, और ये हमारे पास साइन कन्वेंशन है। तो दिस इज आर टू डिमेंशनल आर्बिटेरी पॉइंट जो हमने स्ट्रेस ब्लॉक के थ्रू रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास सिग्मा एक्स है, सिग्मा वाई है, शियर स्ट्रेस एक्स वाई, और यू कैन से वाई एक्स बिकॉज यू नो दैट द सिग्मा एक्स वाई इज आल्सो इक्वल टू द शियर, सॉरी शियर स्ट्रेस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू द शियर स्ट्रेस ऑफ वाई एक्स, एंड दिस इज आर प्लेन, आर जिसको हमने ए डैश का ए का नाम दिया है, ए ए प्लेन है, और इसके पास हमारे पास एंगल है थीटा ए। तो फ्रॉम द हॉरिजेंटल फेस वी नो द सिग्मा एक्स इज पॉजिटिव, एंड फॉर वर्टिकल, सॉरी द हॉरिजेंटल फेस एच जो है उसके अंदर हमारे पास आ जाएगा सिग्मा वाई, और ये हमारे पास पॉजिटिव है, और इसी तरीके से जो शियर स्ट्रेस है हमारे पास वाई एच वो भी हमारे पास पॉजिटिव है, और जो सिग्मा एच है हमारे पास दैट विल बी आल्सो पॉजिटिव, क्योंकि ये टेंशन की सूरत में दोनों स्ट्रेसेस रिप्रेजेंट किए हुए, और जो शियर स्ट्रेस है एक्स वाई वो हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव होती है, क्योंकि ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन दे रही है और ये हमारे पास एंटी क्लॉक वाइज है। ठीक है, तो टा ऑफ एक्स वाई हमारे पास नेगेटिव है क्योंकि ये हमारे पास एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन दे रही है, और जो टा ऑफ वाई एक्स है वो हमारे पास क्लॉक वाइज डायरेक्शन दे रही है, इसको हमने यहाँ पे पॉजिटिव लिया हुआ है। सो लेट्स प्लग इन दिस पॉइंट इन आवर दिस प्लेन, तो ये मेरे पास एक्स एक्सिस के लोन मैंने सिग्मा को लिया है, और शियर स्ट्रेस को मैंने वाई एक्सिस के दौरान लिया है, तो हॉरिजेंटल पॉइंट जो है मेरे पास उसके अंदर है मेरे पास सिग्मा वाई, सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हॉरिजेंटल पॉइंट फॉर सिग्मा वाई कॉमा शियर स्ट्रेस ऑफ वाई एक्स, ये मेरे पास हॉरिजेंटल पॉइंट आ गया जिसके अंदर मेरे पास सिग्मा वाई की वैल्यू आ रही है और उसके साथ साथ शियर स्ट्रेस जो है उसकी वैल्यू आ रही है। सिमिलरली जो मेरे पास सेकंड पॉइंट है दैट इज वर्टिकल इन दिस केस सिग्मा एक्स एंड माइनस शियर स्ट्रेस ऑफ एक्स वाई, ये मेरे पास सेकंड पॉइंट आ गया, तो सिंपली हम इन लाइंस को आपस में ज्वाइन कर देंगे, एंड दिस पॉइंट वुड बी आवर सेंटर पॉइंट, तो ये हमारे पास सेंटर पॉइंट हो रहा दैट इज बेसिकली सिग्मा एवरेज कॉमा जीरो। So let's draw a circle तो ये मेरे पास सर्कल ड्रा हो गया, ठीक हो गया, तो मेरे पास जो पॉइंट थे वो मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिए, सो दिस वुड बी द एंगल दैट इज टू टाइम्स थीटा पी, ऑलराइट, और ये जो मेरे पास पॉइंट हो रहा ये मेरे पास शियर स्ट्रेस मैक्सिमम हो रही इस पॉइंट पे, ठीक हो गया, एंड दिस पॉइंट विल बी आर सिग्मा वन, और यू कैन से प्रिंसिपल स्ट्रेस वन, एंड दिस पॉइंट इज सिग्मा टू, और यू कैन से प्रिंसिपल स्ट्रेस टू। सो लेट्स अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ए लूं, तो इस पॉइंट ए तक का जो एंगल होगा मेरे पास दैट इज टू थीटा ए, और इस पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मेरे पास है सिग्मा ए कॉमा टा ऑफ ए, ये वो पॉइंट है जो बेसिकली आप मेजर करना चाह रहे हैं किसी भी स्ट्रेस प्लॉट के ऊपर, और आई ऑल्सो नो दिस एंगल इज टू टाइम थीटा एस फॉर द शियर स्ट्रेस,
एंड दिस वॉल फॉर द प्लेन स्ट्रेस। और ये है मेरे पास एक आर्बिटेरी लोडेड पॉइंट जिसके ऊपर आपने मेजर कर लिया है नॉर्मल स्ट्रेस और शीयर स्ट्रेस। सो इट्स ऑल अबाउट मोहर सर्कल। लेट्स मूव टू प्रैक्टिस सम एग्जांपल। सो यहाँ पे मैंने दोबारा इसी अबव रिप्रेजेंटेशन को शो किया है जस्ट फॉर सेक ऑफ विजुअल रिप्रेजेंटेशन, आपको इजीली क्लियर हो जाए पॉइंट्स। ओके जी, अब हमारे पास एग्जांपल है और एग्जांपल के अंदर हमें कहा गया है कि जो स्ट्रेस ब्लॉक है जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है टू आर डोर्डनल प्लेन्स के थ्रू, उसका जो पॉइंट है वो स्ट्रक्चर मेंबर को यहाँ शो किया है यूजिंग द मोहर सर्कल। हमने फाइंड करना है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड द मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस एट दैट पॉइंट एंड शो द प्लेन ऑन विच दे एक्ट ऑन अ प्रॉपरली ओरिएंटेड स्ट्रेस ब्लॉक। और इसका बी पार्ट है हमें नॉर्मल एंड शीयर स्ट्रेसेस को ऑन प्लेन ए ए के ऊपर फाइंड करना है और थ्रू द पॉइंट ऑन अ प्रॉपरली ओरिएंटेड स्ट्रेस ब्लॉक। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मेरे पास जो गिवन डाटा है उसके अंदर ये सिग्मा एक्स जो है वो 140 मेगापास्कल है, दैट वुड बी द माइनस क्योंकि ये कंप्रेशन में है, दिस वुड बी द टेंशन। सिग्मा वाई इज इक्वल टू 1000 मेगापास्कल एंड शीयर स्ट्रेस जो है मेरे पास वो 50 मेगापास्कल है। सो सबसे पहले मुझे पॉइंट्स को ड्रा करना होगा अपने, तो मैं यहाँ पे एट अपना ये पॉइंट ले लेता हूँ। ये मेरे पास सिग्मा है और ये मेरे पास शीयर है और मैं यहाँ पे एक अपना वर्टिकल जो पॉइंट है वो ड्राइव करने वाला हूँ जो कि मेरे पास है -140 कंप्रेशन में है ना, और वाई के अंदर मेरे पास है शीयर स्ट्रेस 50। ये मेरे पास पॉइंट आ गया फॉर द केस ऑफ वी। और हॉरिजॉन्टल मेरे पास पॉइंट है -150। ठीक है, तो अब हम इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। एक्सक्यूज मी फॉर not properly the straight line, so this point will be the center point. All right, तो ये मेरे पास सर्कल जो है वो बन चुका है, let's assume to be a circle. ये मेरे पास center point है और ये मेरे पास vertical और हॉरिजॉन्टल जो पॉइंट्स हैं वो आ गए। तो सेंटर पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पे सी जो है वो हो जाएगा -20.0। अब ये -20.0 कैसे आया ये देखें, सी जो है हमारे पास वो बराबर है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई वो 2.0 के, ये हमारे पास सेंटर पॉइंट था। तो यहाँ पे मैं सिंपली प्लग इन करूँगा अपनी वैल्यूज को, -140 प्लस 100 ओवर 2.0 एंड देन यू कम अप विद सी इज इक्वल टू -20.0। ठीक है, तो ये मेरे पास सी पॉइंट आ गया। अच्छा जी, अब मुझे यहाँ पे एंगल जो है ये मेरे पास है 2 times θ P और ये मेरे पास जो वैल्यू है वो है टॉ मैक्स। तो मुझे अब शीयर स्ट्रेस मैक्सिमम निकालनी है, तो शीयर स्ट्रेस मुझे पता है कि ये जो है बेसिकली रेडियस के बराबर है, तो हमें रेडियस फाइंड करना पड़ेगा। तो आर जो है मुझे पता है कि वो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई टाइम्स टू स्क्वायर प्लस टॉ ऑफ एक्स वाई और स्क्वायर रूट। तो मैं सिंपली यहाँ पे वैल्यूज को प्लग इन करने वाला हूँ, तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी -140
minus 100 by 2 whole square plus minus 50 square, and this would be equal to 130 megapascal. So मेरे पास ये जो शीयर स्ट्रेस मैक्सिमम है इसकी वैल्यू है 130 मेगा पास्कल. दैट वुड बी आर वन आंसर. ऑलराइट जी, अब मुझे यहाँ पे सिग्मा वन और सिग्मा टू जो है उसको कैलकुलेट करना है. तो ये मेरे पास जो पॉइंट है वो सिग्मा वन है और ये जो पॉइंट है मेरे पास वो सिग्मा टू है. तो सिग्मा वन मेरे पास है यहाँ पे माइनस 20 प्लस 130 एंड दैट वुड बी इक्वल टू 110 मेगा पास्कल. कैसे आया ये पॉइंट जो है यहाँ से यहाँ तक का मुझे पता है फ्रॉम रेडियस. जो टोटल मेरे पास रेडियस है यहाँ से यहाँ तक का वो 130 है और ये पॉइंट जब मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे यहाँ तक की वैल्यू मिल जाएगी दैट इज 110 मेगापास्कल. तो माइनस 20 जो है वो यहाँ से माइनस कर दूंगा और ये जो फोर्स है मेरे पास वो टेंशन में है. सिग्मा टू कैसे आएगा जी, इसके अंदर अगेन माइनस 20 और क्योंकि इस साइड पे एक्सेलरेटिव है माइनस 130. रेडियस की वैल्यू मेरे पास अगेन 130 है और ये मेरे पास वैल्यू हो जाएगी माइनस 150 मेगा पास्कल. सिग्मा टू की जो वैल्यू है मेरे पास है माइनस 150 मेगा पास्कल. ठीक हो गया. तो इस तरीके से हमने अपनी सिग्मा वन सिग्मा टू जो है उसको कैलकुलेट कर लिया. अब मुझे यहाँ पे एंगल थीटा जो है उसको कैलकुलेट करना है. तो थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं. थीटा मेरे पास होगा साइन 2 थीटा बाय पी इज बेसिकली इक्वल टू 50 बाय 130. अब ये कैसे आया, इस पॉइंट को मैं यहाँ पे ड्रा करूँगा. अब मुझे ये 2 थीटा बाय पी निकालना है. तो साइन जो होता है मेरे पास उसके अंदर मेरे पास ये जो वैल्यू है इसको इस हाइपोथेसिस के साथ मुझे कैलकुलेट करना होगा. सो साइन थीटा इज बेसिकली इक्वल टू द 50. तो ये जो मेरे पास पॉइंट है ये वाला ये 50 है और जो रेडियस की वैल्यू है मेरे पास वो 130 है. तो मैं फ्रॉम साइन टू थीटा पी मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी 2 थीटा पी की वो हो जाएगी 22.6 डिग्री और थीटा पी जो हम स्ट्रेस प्लॉट पे शो करेंगे दैट इज 11.3 डिग्री. और जब हम इसका स्ट्रेस प्लॉट ड्रा करेंगे तो इसकी शेप कुछ इस तरीके से हो रही है. मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये मेरे पास स्ट्रेस ब्लॉट है. दिस एंगल विल बी द 11.3 डिग्री और यहाँ पे मेरे पास 150 मेगा पास्कल की फोर्स लग रही है कंप्रेसिव और जो टेंशन की फोर्स है वो मेरे पास आई थी 110 मेगा पास्कल. तो ये जो एंगल है साथ में वो हमारे पास काउंटर क्लॉकवाइज है. सो दिस कंक्लूड द पार्ट ए एंड यू कैन आल्सो चेक इट. आप इस क्वेश्चन के आंसर को चेक भी कर सकते हैं. तो हमें पता है कि सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू बाय इनवेरिएंट प्रॉपर्टी इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई. तो सिग्मा वन की वैल्यू है हमारे पास 110 प्लस सिग्मा टू है माइनस 150 और सिग्मा एक्स है हमारे पास माइनस 140 और सिग्मा वाई है 100. सो दैट्स बोथ कम अप विद माइनस 40. सो इट मीन्स जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल ठीक है. ऑलराइट, अब हमने पार्ट बी जो है वो कैलकुलेट करना है. तो ये यहाँ पे जो अबव हमने सारी वैल्यूज कैलकुलेट की हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी ड्रा की हुई हैं. तो अब मुझे पार्ट बी कैलकुलेट करना है. तो
एट दिस प्लेन ए ए, तो मुझे ये जो एंगल थीटा ए है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा सबसे पहले, तो वो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ बाय ज्योमेट्री। आई नो थीटा ए इज बेसिकली इक्वल टू द टैन इनवर्स ऑफ 3/4, और थीटा ए जो है हमारे पास हो जाएगा 36.9 डिग्री ऑन द स्ट्रेस ब्लॉक। तो मोहर सर्कल पे क्योंकि इसकी रिप्रेजेंटेशन आपकी 2 टाइम्स होगी, तो मैं इसको 2 से जब मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 टाइम्स ऑफ थीटा ए, ये मेरे पास बन जाएगा 73.7 डिग्री ऑन मोहर सर्कल। ऑल राइट, तो ये मेरे पास एंगल थीटा आ गया जी। अब मुझे यहाँ पे जो पॉइंट है ए ए ए जो है उसको बेसिकली फाइंड आउट करना है, तो दिस एंगल जो मेरे पास अभी कैलकुलेट हुआ है दैट इज द 2θa, दैट्स इट्स 2θa। लाइक दिस ये मेरे पास एंगल आ गया जी, और ये जो पॉइंट है मेरे पास ये पॉइंट ए हो गया। और अब मुझे यहाँ पे जो अपनी स्ट्रेसेस और शीयर स्ट्रेसेस की वैल्यूज हैं उनको कैलकुलेट करना है, और ये अगर 2θa है तो मुझे इस ज्योमेट्री से पता चल रहा है कि ये जो एंगल है, लेट्स से कि मैं इसको फाई का नाम दे देता हूँ, तो कि मुझे फाई का एंगल फाइंड करना है, तो फाई जो है दैट इज इक्वल टू 2θa माइनस 2θp, और यू कैन सिंपली प्लग इन दीज वैल्यू दैट इज 73.7 डिग्री माइनस 22.6 डिग्री फ्रॉम द लास्ट क्वेश्चन, और फाई की जो वैल्यू है दैट इज 51.1 डिग्री, तो ये हमारे पास फाई का एंगल आ जाएगा। तो ये एंगल जो है हमारा यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, तो सिंपली अब मैं इस पॉइंट को जब इस पे फॉल करूँगा तो फ्रॉम दिस ज्योमेट्री मैं अपनी नॉर्मल स्ट्रेस और शीयर स्ट्रेस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हम साइन का केस ले लेते हैं, साइन फाई इज इक्वल टू शीयर स्ट्रेस एट पॉइंट ए इज इक्वल टू आर, और यू कैन से शीयर स्ट्रेस ए इज इक्वल टू साइन फाई टाइम्स आर, और साइन फाई की जो रेडियस की वैल्यू 130 है और साइन फाई की वैल्यू जो है वो 51.1 है, तो शीयर स्ट्रेस एट पॉइंट ए जो है वो 101 मेगा पास्कल आ जाएगी। ठीक है, अब हमने सेकंड पॉइंट लेना है, उसको हम कोस फाई की टर्म ले लेते हैं, दैट इज सिग्मा ए ओवर आर, और सिग्मा ए इज इक्वल टू आर टाइम कोस फाई। अब आप इसमें सिंपली वैल्यूज को प्लग इन करें, सिग्मा ए is equal to r is again 130 cos 51.1 degree minus 20 जो है यहाँ पे मैंने इस वजह से ऐड किया है क्योंकि मेरे पास ये पॉइंट यहाँ पे है और इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो माइनस 20 है। ठीक है, तो मुझे ये वाला पॉइंट जो है वो चाहिए इस पॉइंट तक के ऊपर की वैल्यू, तो मैं इस वजह से उसको फिर उसमें से माइनस कर दूंगा ताकि मैं अपने इस पॉइंट को जो ड्रैग किया हुआ है यहाँ पे मैं इस पॉइंट ए के ऊपर अपनी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकूं, तो इस वजह से मैं यहाँ पे माइनस 20 करूँगा। सो सिग्मा ए जो है मेरे पास आ जाएगा 61.6 मेगा पास्कल। अगेन दिस इज फॉर टेंशन, तो यहाँ पे जो अब मेरे पास पॉइंट आ जाएगा ए का वो हो जाएगा 61.6, 101। ठीक हो गया, अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इसकी शेप से, तो ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये मेरे पास स्ट्रेस ब्लॉक है, और ये जो मेरे पास एंगल है वो है 36.9 डिग्री।
और यहाँ पे जो मेरे पास नॉर्मल स्ट्रेस की फोर्स लग रही है डेट इज 61.6 मेगा पास्कल, और जो मेरे पास शीयर स्ट्रेस है उसकी वैल्यू है 101 मेगा पास्कल। सो दैट्स कंक्लूड आवर लेक्चर।